स्वागत है जी तुहाडा सारां दा प्रोग्राम प्राइम हैल्थ दे विच। मैं हाँ गुरप्रीत संधावालिया ते इस प्रोग्राम नूं इस वक्त तुसी साडे फेसबुक पेज दे उपर लाइव देख रहे हो, बाद दे विच जे तुसी टीवी ते भी देखो तां ओह तुसी उहदा रिपीट टेलीकास्ट देख रहे होवोगे। ते मैं बेनती करां जी कि अज हर पासे जिहड़ी चर्चा है वह है करोना दी, क्योंकि करोना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिहड़ी कि बहुत सारे साइंसदानां नूं बहुत सारे डॉक्टर्स नूं बड़ी उलझन भरी लगती है, क्योंकि पहलां दा कोई सिमटम दसदे सी इहदे बाद दे विच सिमटम बदल गए जी, नहीं जी हुण सिमटम्स तों बिना वी बंदे नूं करोना हो सकदा। बहुत सारे केसिस जिहड़े ने उह आपां पिछले दिनी देखे भी है। हुण इह सारे कुछ दे विच इक जिहड़ी चीज़ होर चल पई उह चल पई कि तां एवें बीमारी कोई नहीं जी, ड्रामा ही बणाया, तां कोई डाक्टरां दा पैसे वट्टी जांदा, इह जी सरकारां नूं पता नहीं कोई बाहरली बैंक पैसे दिंदी है इक मरीज़ मगर उह तां मरीज़ बणाई जांदे ने, बहुत सारियां गल्लां इह सारा कुछ होया। तो सारे कुछ दा करके हर बंदा एक गलों डरिया भी होया भी यार जे कुछ होया तो फिर आप माँ मासी आखेंगे, एक बंदा थोड़ा जा कन्फ्यूज भी है भी चलो जे है भी है जिदा भी आते तो बचा किमें जा सकता। ये जी घुंडी है सब तो वड्डी है कि जे ये बीमारी है करोना है यू पेंडेमिक एलानिया गया तो ये तो बचना किमें, क्योंकि वैक्सीन बनाने बनने वाला काम तो अजे बड़ा दूर लगता, कभी अमरीका दावा कर देंगे, कभी रूस वाले कर देंगे, कभी चाइना कर देंगे, अपने भारत वाले भी लगे। मैं दस दया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लग के जी तीसरे दौर की कह लो कि टैसटिंग है वह भी चल पई है। पर यह सारे कुछ के एक होर एंगल है कि इम्यूनिटी जी है जोड़ा साढ़े अंदर बीमारियों लड़न वाला तंत्र है वह कि मजबूत हो, जो मजबूत है तो फिर आप बच सकते हैं, तो फिर उन्होंने मजबूत करना कि बहुत सारिया गल् ने। इन सारिया गलों बातों बड़े साफ क्लीयर तो स्पष्ट तरीके समझण के लिए अज इस प्रोग्राम प्राइम हैल्थ के अपने नाल मशहूर डॉक्टर ने डॉक्टर अरिदमन सिंह माहल जिड़े कि हर्बल स्पैशलिस्ट ने। सब तो पहला आप उन्होंने स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब पहली गल तो दसो कि भी ये जो करोने वाला काम है ये कोई बीमारी है भी आ कि डराया ही आ? नहीं, ये सानू भरम भुलेखिया च नहीं रहना चाहिए जी। सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया के डॉक्टर्स, सारी दुनिया ये तो डरी हुई है, सहमी हुई है, और असं रोज़ वेख रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये करोना कोई अज नवा नहीं गा, यह तीसरा हल्ला आ इंसानियत के उत्ते। अच्छा जी। सो दो हल्ले ये पहला भी हो चुके हैं, इसे तरीके दे नाल एच एन सीरीज आई वो भी तीन हल्ले ला चुकी है। सो ये वायरल और हाईली इनफेक्शियस जिन्हों कहते हैं छूत की बीमारी है, और यह हाईली कंटीजियस है, इन्नी कु छूत की बीमारी है इन्हें पता कोई नहीं किहड़े वेले किनू जा वड़। अच्छा। सो इस करके एवें सानू गलत भरम भुलेखिया दे विच नहीं रहना चाहिए। ये एक भयानक बीमारी है, वायरल डिजीज है, और जो असी वायरल डिजीजेस कहने और खास करके जे असी कोविड 19 की गल करने तो ये वास्ते साढ़े कोई भी उपचार अवेलेबल नहीं है। सो जो उपचार अवेलेबल नहीं होंगे दुनिया भर ची हमने गल की है कि यस ये प्रोवेंशन वास्ते या ये वास्ते वैक्सीन लभण की कोशिश कर रहे हैं, दवाइया लभण की कोशिश करते हैं, लेकिन वायरल डिजीजेस के बहुत सारिया दवाइया काम कर दिया नहीं होंगे। ये सिर्फ तो सिर्फ एक प्रोवेंशन ते प्रोटेक्शन होंगी है, वो प्रोवेंशन ते प्रोटेक्शन जी उही एक मेजर कैप्सूल है जो सानू सारयां अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए जी। ये डॉक्टर साहब वाकई तुसी बड़े वधिया तरीके नाल गल समझाई आ, पर हुण जदों आपां प्रिवेंशन की गल करते हैं जां प्रोटेक्शन की गल करते हैं, मतलब जिहड़ी चीज़ का परहेज़ जे आपां नूं कोई आखे तां ओह की होना चाहिए ते सारे कुछ तो फिर बचिया किवें जावे, थोड़ा जिहा इहदे ते चानणा पाओ। पुरातन समय दे विच इह मन्निया जांदा सीगा कि इलाज नालों परहेज़ चंगा जी, या इह कह दईए कि परहेज़ ही अद्धा इलाज हुंदा है जी। लेकिन इहो जिहियां चीज़ां साढ़े समाज चों खंभ ला के उड गईयां सारियां, क्योंकि बहुत वड्डे प्रभाव च असीं आए जिहड़ा कि वैस्टर्न मैडिसन दा इनवेजन होया, उहदे नाल साडियां अपणियां जिहड़ियां वैल्यू सी, कदरां कीमतां सी, साडी जिहड़ी विजडम सी, खास करके हैल्थ विजडम सी, वह खंभ ही ला के उड गई। लेकिन असीं इह नहीं कह सकते उहदे च दम नहीं सी, उहदे च दम खंभ हैगा सीगा, लेकिन असीं उहदे तों बेमुख हो गए। सो जिथों तक प्रिवेंशन का सवाल आ, प्रोटेक्शन का सवाल आ, इस वेले दुनिया भर के मीडिया के उत्ते हर इंसान
बल्कि जन साधारण भी इस गल तू समझ सकया है कि हाँ जी 6 फुट का डिस्टेंस रखना चाहिए है, सानू मास्क रखने ला के रखना चाहिए है, सानू हाथ चंगी तरह साफ करके रखने चाहिए है, यस प्रिवेंशन जी। सो ये सारे नू करना चाहिए, लेकिन उस तो भी वड्डी अहमियत वाली गल है कि साडे शरीर दे अंदर जिहड़ा मादा है, साडे शरीर की जिहड़ी इम्यूनिटी है, साडे अंदर जिहड़ी रेजिस्टेंस है, जिहड़ियां के इनफेक्शन इनफेस्टेशंस दा मुकाबला कर सकती है, उस इम्यूनिटी नू असी किन्ना उच्चा रख सकते हैं जी। पुरातन समयां दे विच जदों जन समूह दा वडेरा जिहड़ा सी कदे भी कोई बीमार हुंदा सी ते उनू उस जन समूह तो पिंड तो मील दो मील बाहर किसी झुग्गी झोंपड़ी च पानी दे कंडे छड़ आया जांदा सी ते उहदे लई समां हुंदा सी कि तू 7 दिन 10 दिन 15 दिन इत्थे ही रहना है, तेनू असी लै जांगे, उनू पिंड च नहीं सी रहन दित्ता जांदा जी। ये हुण कहानियां बन के रह गईआं, पर जे इन्हां कहानियां दीआं साइंटिफिक वैल्यूज देखिए ते अज सानू पता लगा है कि इह क्वारंटीन की हुंदा है, अज सानू पता हुंदा है कि असी किसे दे नेड़े नहीं जाणा। बहुत वारी ये गल्लां साडे समाज दे विच इस तरीके दे नाल विचरियां जिहड़ियां कि विचरनियां नहीं सी चाहीदियां, कि जिहड़े लोग हाइजीनिक कंडीशनस दे विच नहीं सी रहिंदे जी, और जिहड़े लोग हाइजीनिक कंडीशनस दे विच बहुत बिलीव करदे सी उह इक दूसरे तो बचा रखदे सी, उहनूं असी छूत च पाता, उहनूं असी वहमां भरमां च पाता, उहनूं असी जात बरातरी च पाता, ये बिल्कुल गल निंदण योग है, इवें नहीं सी हुंदी। सानू ये समझना चाहिए कि जिथे भी किते इनफेक्शन आ, संधा वालिया साहब मैं थोनू एक गल दसा, इस कोरोना दे दौर दे विच जी असी जो कोरोना तो जन सधारण समझिया है, जिन्ना असी बचाओ विच ही बचाओ है, असी वो बचाओ कीता है, असी बहुत सारियां बीमारियां तो बहुत टन्ना दे टन दवाइयां तो ते लखां करोड़ां डॉक्टर तो कोलो बच भी गए, ये सानू मनना पाया जी। बिल्कुल सही गल, इनफेक्शन तो बचदियां होया, क्योंकि इनफेक्शन वायरल भी हुंदी है, बैक्टीरियल भी हुंदी है, फंगल भी हुंदी है। सो जदों असीं एहतियात वरतने शुरू कीते, भावें वह करोना का दौर सी, सानू ये सब कुछ आया, उहदे नाल असीं बहुत सारिया होर बीमारियां तो बच गए। ये महसूस करदे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स का धंधा भी लो हो गया, बहुत सारे पिंडां दे विच जिहड़े डॉक्टर सी टाली थले ग्लूकोज लाया हुंदा सी, असीं बच गए क्योंकि सानू भरमाया जांदा है जी। और उस भरमाए जाण दे विच असीं बहुत वारी अननेसेसरली अपने उपर बहुत सारिया कैमिकल मेडिसिन का लै बैठते हैं जिन्हां दा जरूरत नहीं होती जी। सो जे असीं इस पासे नूं मन्नीए पे असीं बहुत, क्योंकि जंक साडे कोल चला गया, बहुत सारे लोगों की मसा ग्रॉसरी पूरी हुई, बहुत सारे लोगों की 3 वेले की रोटी पूरी हुई, बहुत सारे लोगों ने जंक खाना बंद कर दिता, और जंक ने सानू बहुत बड़ा सेव किया। और मैं जिहड़ी दूसरी गल है अहमियत वाली ये करनी है कि असी अपने भोजन दे विच किवें बदला करिए, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। बिल्कुल, जदों असी अपने भोजन नू समझ लवांगे कि भोजन हुंदा की है, उस वेले असी जो साडे शरीर की जरूरत है, शरीर की जरूरत यह हैगी आ कि असी ग्रो किवें होना, साडी ग्रोथ डिवेलपमेंट ते मेंटेनेंस बॉडी दी किवें होनी आ, प्लस साडे कोल जिहड़ा मेटाबॉलिज्म दे विच एक सैगमेंट कैटाबॉलिज्म हुंदा है कि जिहड़े मरे हुए सैल ने, जिहड़े बीमार सैल ने, जिहड़े साडी बॉडी दे विच वेस्ट ते टॉक्सिन्स है, उहनां नूं बाहर किवें कढ़ना। सो चंगी चीज लै के आउणी ते माड़ी चीज नूं बाहर कढ़ना, साडा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिहड़ा, अगर ये एफिशिएंट होवे, इहदी सानूं समझ होवे कि किहड़ा भोजन लैना, कदों लैना, की लैना, किवें लैना ते किवें नहीं लैना, ते अद्धे मसले साडे उत्थे हल हो जांदे आ। ते जे सानू एक्सक्रीशन दी समझ लग जाए कि साडे अंदर कोई भी जहरीला मादा नहीं रहना चाहीदा, चाहे वह साडा स्टूल है, चाहे वह साडा यूरिन है, कि रज के पसीना आउंदा है, ते साडे टॉक्सिन्स ने जिहड़े वह एक्सक्रीटरी सिस्टम दे थ्रू बाहर चले जांदे आ, ते शरीर तंदुरुस्त हुंदा है। डॉक्टर साहब, इत्थे एक चीज़ जिहड़ी मैं तुहाडे कोलों जाननी चाहुंदा उह इह आ कि वी इह समझाओ थोड़ा जिहा कि जिहड़ा खाणा है ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ,
उन्नी देर तक तो फिर जी चीज़ दा आँदी या जी चीज़ आप इधर उधरों कित सुन लें आप किली दब दें भी लै भी ये हूँ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जानी हूँ तो बहुत सारिया कंपनियां भी बना बना प्रोडक्ट लिया लग पे भी आई खा लो तो ये कायम हो जाओगे तुम की सोचते हो भी थोड़ा जा चानना पाओ कि खाना जोड़ा है वो आप खाना चाहिए। मैं ये अक्सर गल करदा कि यूर फूड बी यूर मैडिसन जी ते जदों असीं ये कहने फूड मैडिसन होवे ते फिर फूड दी डेफिनेशन की है व्हाट एग्जैक्टली इज यूर फूड जी जो असीं खाने हैं जो असीं पीने हैं जो असीं सूंघने हैं वो साडा फूड है ते फूड जेड़ा आ दुनिया भर दे साइंटिस्ट ने पछम ने अजे भी पूर्व को बहुत कुछ सीखना है। ये वक्री गल है कि जहाज बनाने मंगल ते पहला चला गया आर्म मनीशन बनाना बहुत कुछ सीख लिया पछम ने पहला पर पूर्व को अजे भी बहुत कुछ है जेड़ा अजे पछम ने सीखना है। सो इस करके फूड जेड़ा आ उदियां जेड़ियां वैल्यूज ने वो छे नहीं होंदियां जी असीं ते छे मन्नियां कार्बोहाइड्रेट्स लैणे आ प्रोटीनस लैणे ने फैट्स लैणे आ मिनरल्स लैणे वाटर लैणा सो ऑन एंड सो फॉर नो साडी विजडम जिहड़ी आ पुरातन एंशिएंट हैल्थ विजडम दे विच ए फूड जिहड़ा आ ए 36 पदार्थ सम्मिलित होना चाहिए। सो दो चीजा ने जी एक ते संतुलित भोजन ते एक संपूर्ण भोजन जी संपूर्ण भोजन सानू डाइटिशियंस ने न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट ने बहुत सिखा दिता छे चीजा आ हुंदियां लेनियां चाहीदियां जी बहुत सारिया कंपनिया ने डब्बा बंद पाउच बंद बॉटल बंद सानू बेचना शुरू कर दिता असी उन्हां दे निविजन च काबू आ गए और उहदे विच किन्ना आर्टिफिशियल कलर्स ने आर्टिफिशियल टेस्ट एनहांसर्स ने आर्टिफिशियल खुशबुआं ने जिहड़ियां के पोइजन ने जी और असी जेड़ा साडे कोल रब ने दिता होया कुदरत ने दिता होया अकाल पुरख ने दिता होया सीधा साडे बागां दे विचों फल फ्रूट आउंदा सी साडे खेत कलवाण दे विचों सब्जियां भाजियां आउंदियां सी और साडे खेतां दे विचों ही साडे कोल सारा भोजन उह असी गुआ बैठे। बिल्कुल सही साडी दौड़ हो गई टेस्ट बड्स नूं फीड करन वास्ते। सो मैं दसणा इह चाहांगा कि 36 पदार्थ सम्मिलित भोजन संपूर्ण भोजन आ जिहड़ा कि 6 पदार्थ जिहड़े आ उह 36 पदार्थां दा हिस्सा ने। जे असीं इस गल नूं समझ लईए ते फिर असीं अपने भोजन नूं जरूर सुमार लवांगे। डॉक्टर साहब थोड़ा जिहा मैं चाहुंदा एलैबोरेट कर दिओ इहनूं क्योंकि जिहड़े भी अपने नाल इस वक्त दर्शक जुड़े ने उह जरूर थोड़ा जिहा समझ लैण क्योंकि इह 36 प्रकार दे खाणे शब्द तां आपां बहुत वार सुणिआ पर उहदे च होणा की चाहीदा किवें आपां इह सारे कुछ तों बच सकदे हां जी। इह से बहुत वधिया सवाल है क्योंकि इहदे उत्ते किसी ने कम ही नहीं कीता और एक गुरबाणी दे विच सम्मिलित है 36 पदार्थ। वो 36 पदार्थ सानू समझ लेने चाहिए क्योंकि असी ये मानने आ कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जी जो इस ब्रह्मंड दे विच है वो सारे दा सारा ह्यूमन बॉडी इज ए मिनीएचर ऑफ द यूनिवर्स इन्ना कुछ सानू चाहिए। वो 36 पदार्थां दे विच ब्रह्मंड दे विच 7 रंग ने 8वां रंग कोई नहीं बनिया सतरंगी पींग सानू दस दिंदी है कि 7 ही रंग ने 8वां नहीं बनिया मिला के करोड़ा रंग बना लो मोबाइल ते बना लेने असीं जिन्ने मर्जी रंग बना लो बेसिक कलर 7 ही ने। ओ ब्रह्मंड दे 7 कलर की साडे शरीर दे विच है जी। उस तो बाद दुनिया दे उत्ते 6 ही स्वाद बने आ 7वां नहीं बनिया कोई की ओ साडे भोजन दे विच स्वाद है गया कोई वध होना घट होना ओ एक वक्री गल क्योंकि कौड़े नूं इस वेले सुट छड्या मिठे की पूरी भरमार हो गई है और असी बहुत सारिया भयानक बीमारियां की जकड़न चा गए। सो 6 स्वादा का प्रपोर्शन भी सानू पता होना चाहिए वह अगली गल है लेकिन शुरू च सानू ये पता हो 6 स्वाद आ मिठा आ कौड़ा आ लूणा आ तीखण आ स्ट्रिंजेंट आ इस खट्टा आ ये सानू सारे दे सारे टेस्ट का पता होना चाहिए और साडे भोजन का यह हिस्सा होने चाहिए जी। और गिनती तुम कर रहे हो 36 पदार्थ मैं गिना देना है जी दो तसीरां मन्नियां गईयां आ अजे पछम नूं इहदे बारे नहीं पता लगा तसीरां की आ बायोकैमिक वैल्यू की असीं इह कह दिंदे आ कि आह चीज़ां वाई हुंदियां ई आह चीज़ां बदियां हुंदियां आह चीज़ां गर्म हुंदियां आ आह चीज़ां गर्म खुश्क हुंदियां आह चीज़ां गर्म तर हुंदियां जी। सो दो तसीरां ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जिन्हां दी बहुत वड्डी वैल्यू आ साडे शरीर नूं संचालित करन दे लई साडे शरीर नूं बहुत सारियां भयानक बीमारियां तों बचाउण दे लई। सो एक गर्म ते ठंडी दो तसीरां ने जी।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਫੈਟਸ ਨੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਵਾਟਰਸ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੂਣਦਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਫਲ, ਜਵਤਰੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮੱਘਾਂ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਲੂਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੰਮ ਘੋਟਣਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਬੁਖਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿੰਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ, ਗੁਣ, ਵੀਰੀਆ, ਵਿਪਾਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਮਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੈਲਡਸ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਐਨੇ ਐਨੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਸਵਾਦ, ਹਰ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਮਲਿਤ ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਸੈਲਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਟ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀਨੋਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈਲਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ ਆ, ਸਭ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਭ ਸਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਮਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਲੋਪੈਕਟਿਨ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਗਲੈਡਨ ਲੈ ਲਓ, ਗਲੂਟਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
दुध कढ़िया सी वो सिंबोलिक सीगा कोई उन्हें मिरेकल नहीं किया सीगा कि दुध निकल रहा रोटी नो उदा मतलब सी कि उदी वैल्यू जिहड़ी है कोदरे दी कोदरा अज गायब हो गया जिन्हों असी रागी कह दें रागी किसी भी गुरुद्वारे किसी भी लंगर ने कोदरे की रोटी नहीं शुरू की थी। क्यों नहीं की गुरु घर इन्ना कुछ सारा कुछ रिसोर्स है गया अज ही बाबे नानक की गल मान लो कोदरे की रोटी शुरू कर दे और इन्ने गुण ने कणक की थां ते कोदरे की रोटी कर लिए पुराने जमाने के भी सतनाजा चलिया घटा दीए बाकी अनाज भी असं उन्होंने वरतों करिए असी बहुत सारिया बीमारियां सारिया बीमारियां बहरों नहीं आदियां इनफेक्शन इनफेस्टेशन नहीं है जो मैं कहना लेट अस नॉट फॉल सिक मतलब यह है कि साडा जिहड़ा डाइजेस्टिव प्रोसेस ने कोई साडे ठीक नहीं है साडा जिहड़ा फूड आ उहदी चॉइस ठीक नहीं है उहदी कुकिंग ठीक नहीं है उहनूं खाण की जांच नहीं है वह पचदा ठीक नहीं है वह इवैक्यूएट नहीं होंदा इंजेशन डाइजेशन एबजॉर्प्शन एंड इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन सब तो अहम है अज दुनिया भर के मैं न्यूजीलैंड तो लेके कैलीफोर्निया वैनकूवर तक रोज विचरना है दुनिया भर के जो हैवक किसी चीज ने मलाई हुई है तो वह हैगी फ्लैचुलेंस वह हैगी कबज वह हैगी ऑटो इंटॉक्सीकेशन जिदा पेट ही साफ नहीं होता बिल्कुल सही कोई बाहर रत्तियां खाण की बाहरों जहर खाण की जरूरत नहीं है साडा शरीर साडे अंदर जहर पैदा कर रहा है क्योंकि बहुत सारे घातक कैमिकल बहुत सारे गैसेज ने जिहड़ियां साडी बॉडी चो 24 घंटिया दे विच निकलनिया चाहीदियां जदों बॉडी साडी रिटेन कर लैंदी है स्टूल ही पास नहीं हुंदा तां उस वेले वो चीज़ां सारियां दे सारियां ब्लड स्ट्रीम च रल के साडी इम्यूनिटी दे रेजिस्टेंस नूं बहुत वड्डी ढाल आउंदियां ने बिल्कुल सही सो अज जरूरत है इन्हां चीज़ां नूं समझण दी जे असीं 100 साल जीना चाहुंदे हां वैसे तो साडे कोल पुरातन जिहड़ी हैल्थ विजडम है उहदे विच साडी बंदे दी जिहड़ी गरंटी दित्ती हुई है रब ने वारंटी दित्ती हुई है वह 120 साल है ते जे हुण 60 साल दी उम्र दे विच असीं 6 शीशियां बैड दे सज्जे पासे रखियां ते 6 खब्बे पासे रखियां ते फिर वह गलती साडी है वह गलतियां नूं विचारण दी जरूरत है उन्हां गलतियां दे उत्ते ध्यान केंद्रित करन दी जरूरत है जे असीं इह अहसास अपने अंदर पाल लवांगे ये रेजोल्यूशन कर लवांगे ये ऐद कर लवांगे कि असी दवाई नहीं खानी असी डॉक्टर दे कोल नहीं जाना असी बीमार नहीं होना ते मैं समझना कि साडा मकसद पूरा हो जाएगा लेट अस नॉट सिक अपने सिर ते ब्लेम ले लिए अपने सिर ते ब्लेम लवांगे ते मैं समझना कि असी जरूर कुछ ना कुछ हो पाएगा संदा वालिया साहब बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब तुसी जिन्ने वधिया तरीके नाल ये गल्लां समझाइयां उहदे ते तुहाडा बड़ा धन्नवाद ते मैं आस करदा कि आने वाले समय दे विच वी तुसी साडे लई समां कढ़दे रहोगे ते आपां इसे तरह गल्लां बातां करके जिहड़े दुनिया भर च अपने पंजाबी भैण भरा वास्ते आ उहनां तक जरूर सेहत दीआं गल्लां पहुँचावांगे तां जो इह ना होवे कि आपां में हर वेले दवाइयां दे झंझटां च पै के अपने आप नूं गाल लईए आपां अपनी जिहड़ी चंगी सेहत है उह बणा सकीए तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद डॉक्टर साहब शुक्रिया इस दे नाल ही इस प्रोग्राम नूं आपां इत्थे समाप्त करदे हां जी ते मैं एक बार फिर तुहानूं दस दिया कि जिवें डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये जिहड़ा पेंडेमिक है जिहड़ी बीमारी है इहनूं हल्के च नहीं लैणा तुसीं जिन्ना परहेज़ कर सकदे हो उन्ना वध तों वध करो अपने हाथ धो अपना मास्क पा के रखो भीड़ वालियां थावां ते ना जाओ ते सब तों वड्डी गल जिहड़ी खुराक नाल संबंधित उन्होंने समझाई है उहदे ते जरूर ध्यान दिओ क्योंकि खुराक जिहड़ी है उहदे नाल ही अपना शरीर चलणा जे गड्डी दे विच तेल सही पैंदा रहेगा ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਯਾਨੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ।